हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमानीज किचन। आज हम बनाएंगे घर पर बहुत आसान तरीके से सोया चिप्स और सोया स्टिक्स। तो ये बच्चों की बहुत फेवरेट नमकीन चिप्स होती है, तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सोया चिप्स और सोया स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा गूंथ लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कप सोयाबीन का आटा लिया है और 3 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। तो दोनों का मेज़रमेंट हमें इक्वल रखना है। जितना आपने बेसन लिया है उतना आपको सोयाबीन का आटा लेना है। तो इस दोनों को हम यहाँ पर एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो सोयाबीन का आटा आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सोयाबीन को घर पर लाकर उसे थोड़ा रोस्ट करके फिर मिक्सर में आप उसे बहुत फाइन पाउडर में ग्राइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर जीरा ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो मत कीजिए। 1 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। तो आप अकेले अजवाइन से भी ये चिप्स बना सकते हैं, लेकिन मैंने जीरा और अजवाइन दोनों यूज़ किया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, तो तकरीबन 6 से 7 चम्मच जितना हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये चिप्स बना रही हूँ, इसीलिए ये तेल मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और चुटकी भर हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच जितना, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, तो जैसे हम घर पर सेव बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें इसका डो बनाना है। तो ये जो स्टिक्स और चिप्स हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। लास्ट में 1 चम्मच तेल ऐड करके हम इस आटे को मसल देंगे। 4 से 5 मिनट तक हमें इस तरह से मसलना है। तो इस तरीके का हमें मीडियम थिक आटा गूंद लेना है। अब हम इसे कवर करके 30 मिनट के लिए ढक देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोया स्टिक्स बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मशीन ले ली है और उसमें ये स्टार वाली जाली मैंने फिट कर दी है। तो थोड़ा सा तेल हम इस पर अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो इसमें चिपके नहीं। तो नॉर्मली हम जो चकली बनाने के लिए मशीन और जाली यूज़ करते हैं वही मैंने यहाँ पर ली है। तो 1/2 घंटे के बाद हमारा डो बिल्कुल सेट होकर रेडी है। तो ये मशीन में हम ये आटा इस तरह से रख देंगे और इसे हम अब कवर कर देंगे। और जैसे आप चकली बनाते हो सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर सोया स्टिक्स बनानी है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट तेल में भी ये सोया स्टिक्स बना सकते हो, लेकिन मैं पहले यहाँ पर प्लेट में आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमें लंबी सोया स्टिक्स बनानी है। प्लेट को मैंने पहले से ही तेल से ग्रीस करके रखा है। तो इस तरीके से पहले हम सारी सोया स्टिक्स बना लेंगे, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सारी सोया स्टिक्स को बनाकर रख देना है। इसे हम फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर चाकू की मदद से इसे इस तरह से काट दूंगी। तो जिस तरीके की आपको साइज़ पसंद हो आप उस तरीके से इसको काट सकते हैं। और अगर आप इसे डायरेक्ट तेल में फ्राई करते हो तो फ्राई करने के बाद आप इसे तोड़ सकते हो, लेकिन ये जो स्टेप्स है वो ज़्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पर ये रेडी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे।
तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है और तेल भी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारी स्टिक्स हैं वो जल जाएंगी। तो इसे हमें ऐड करके चलाते रहना है और अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने मशीन यूज़ किया था उसकी जाले की साइज़ थोड़ी सी बड़ी थी, इसीलिए ये थोड़ी सी थिक बनी है। तो डिपेंड्स है कि आप किस तरीके का मशीन यूज़ करते हो, तो उसी तरीके की आपकी ये चिप्स बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी की चिप्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तलने के बाद तुरंत अब हम इस पर मसाला छिड़केंगे। तो यहाँ पर मसाले में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच मैंने काला नमक लिया था, तो मिक्स कर दिया है। और तुरंत ही हम इस पर इसे छिड़क देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए इस पर। तो यहाँ पर हमारी सोया स्टिक्स रेडी है। अब हम सोया चिप्स बनाएंगे। तो इस तरीके की जो जाली आती है वो हमने ली है, तो इसमें रख देंगे। और डो हमने जो बना कर रखा था वो सेम डो यहाँ पर हमें यूज़ करना है। कवर कर देंगे और अब हम सोया चिप्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थाली में ये सोया चिप्स बना कर दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट तेल में ये बनानी हो तो डायरेक्ट तेल में भी आप इसे ऐड करके फ्राई कर सकते हो। तो इस तरीके की आपको ये सोया चिप्स बनानी है। और फ्राई करने के बाद आप इसे तोड़ सकते हो। तो ये रेडी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारी ये सोया चिप्स फ्राई होकर रेडी है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और पूरी तरह से इसे ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद इसे तोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसे डायरेक्ट तेल में भी बना सकते हो। तो फ्राई करने के तुरंत बाद हमने जो मसाला बनाकर रखा था वो इस पर हम छिड़क देंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह से इस पर कोट हो जाए। और जब ये ठंडी होगी तब हम इसे तोड़ देंगे। इस तरह से हमें इसे तोड़ देना है, लेकिन ठंडी हो जाने के बाद हमें इसे तोड़ना है। तो यहाँ पर हमारी सोया चिप्स भी बनकर रेडी है। तो एक आटे से हम इस तरह से सोया चिप्स और सोया स्टिक्स बना सकते हैं, जो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो जैसे आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हो वैसे ही ये सोया चिप्स और स्टिक्स बनकर घर पर रेडी होती है, जिसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।